भाई कुछ नयापन तो है नहीं मेरे हिसाब से, तो उन्होंने होमवर्क भी नहीं किया, क्योंकि जो स्कीमें हमारी लागू है ऑलरेडी या लागू होने की गारंटी दी है उसी को घुमा फिरा के लिखा गया है। बहुत ही निराश किया जनता को भी, और कुछ दम नहीं मैनिफेस्टो के अंदर। इसलिए मैंने कहा होमवर्क कम किया दिखता है। 450 में सिलेंडर पे आ गए सर, तो केंद्र सरकार को भी आना चाहिए। हमारे दबाव में केंद्र सरकार 200 रुपए कम किए पड़े हैं। अब ये 450 की बात कर रहे हैं, 450 मध्य प्रदेश में किए गए हैं। पर अब हम जो गारंटी दे रहे हैं उसमें इनका मकसद तो उज्ज्वला वालों के हैं, हम उससे आगे बढ़ गए हैं। अब जो नई गारंटी हमने दी है उसके अंदर हमने कहा है उज्ज्वला के अलावा भी, उसमें जो NFSA में लोग हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, उन सब मिला के 1,05,00,000 लोगों को हम देंगे 500 रुपए वापस। और ये बीजेपी से जा रहे हैं अभी तक भी, ये कह रहे हैं कि अभी उज्ज्वला वालों को दे रहे हैं हम लोग। तो मेरा मतलब कि ये जो है इनका होमवर्क ठीक नहीं है, और सारा पॉइंट में देखे इनके सारे पॉइंटों के अंदर वो दम नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, हमारा तो मैनिफेस्टो भारी पड़ेगा, हम खुद ही भारी पड़ रहे हैं, और ये खाली इनके पास आरोप लगाने कुछ नहीं है। इनके आरोपों का क्या जवाब देवे, ये अपने जिन राज्यों से आ रहे मुख्यमंत्री योगी साहब, अभी 10 दिन पहले वहां BHU के अंदर बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कों जाके लड़की को एक तरफ ले गए, पूरे कपड़े उतार दिए, उसके छेड़छाड़ करी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद की लोकसभा क्षेत्र है, अभी 10 दिन पहले ही घटना है, उस पर नहीं बोलेंगे ये लोग। जितना वहां पे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे वो UP हो, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अगर इक्का दुक्का घटनाएं हुई है तो होती है, सब जगह हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ, पर हमने कार्रवाई की है ना, ज्यादा घटना हुई है। एकमात्र रिकॉर्ड बनाया राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमने थाने के अंदर भी कंपनी कर रखी FIR को। ये बड़ी 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 बड़ा फैसला, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। पहले FIR दर्ज नहीं होती थी, भगा देते थे थानों से, लोग जाते कोर्ट के अंदर, कोर्ट से आदेश देते 156(3) के अंतर्गत कि पुलिस जांच करे। अब वो संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि कंपल्सरी कर दिया तो थानों के अंदर ही होने लगे FIR दर्ज होने लगे। ये अपना बड़ा पॉइंट है, किस राज्य ने यह काम किया है, इसलिए इनकी बातों में कोई दम नहीं है।